पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के काजीपुरा में रहने वाली मैसर जहां का पति मजदूरी करता है। मैसर जहां ने घर में पल रही भैंस का दूध पड़ोस में रहने वाले परिवार को उधार बेचा था, जिसके 900 रुपए मांगने पर आरोपी परिवार ने मैसर जहां को अपने घर में बंद कर उसके हाथ की दो उंगलियां काट दी। पुलिस ने दो पुरुष और एक महिला सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाया जाएगा। दूध के पैसे लेने के लिए गए थे लुआ के यहाँ। आज ने माँ बेटियों ने हमारे वो कह रहे कि तुझसे लिए जा तो ले लियो पैसे। हम घर को आने लगे, उन्होंने सिर पे बाइफल मारा, तीनों माँ बेटी लिपट गए, किवाड़ बंद कर दिए, काटी है फलके से उन्होंने बंद करके वहाँ घर में। इतने बच्चों ने शोर मचाया हमारे जाके जब हमारे सास ससुर गए। दो उंगली कटी हुई है, एक घायल है। इंसाफ चाहते हैं, मिस्त्री हैं, राजगिरी करते हैं। यही पूछा कि मलवा के यहाँ क्या करने गई थी आप, पैसे लेने के लिए गए थे हम। कितनी बेटियां हैं आपकी? तीन बेटियां हैं और दो बेटे हैं। इस तरह का एक प्रकरण आया है जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पे एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है कि दो बच्चों में दूध के पैसे को मांगने को लेकर इसमें विवाद हो गया था। मारपीट में कुछ महिलाएं इंजर्ड हो गई हैं। हम लोग उनका मेडिकल करा के आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करवा रहे हैं। सर कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा? इसमें तीन लोग के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हम लोग साथ से जुटा रहे हैं और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उस हम विधि कार्रवाई कराएंगे। इसमें अभी हम लोग प्रयासरत हैं, जल्द से जल्द इसमें करेंगे। मुकदमा 323, 324 और मारपीट और धमकी देने के संबंध में है। मेडिकल में जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से फिर अग्रिम जो भी धारा बनती है उसकी बढ़ोतरी की जाए। सर हम लोग उसके जो भी आरोप हैं उसके आरोपों की जांच कर रहे हैं। उसके मेडिकल में भी हम लोग जो मेडिकल में जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से भी हम लोग उसमें धारा अगर और बढ़ती है तो वो भी धारा भी बढ़ेगी और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई बनती है हम लोग